Assalamu alaikum, class 10. This is my lecture for today. We have completed removal of extra carbon dioxide and oxygen. Today we are going to study removal of extra water. ठीक है? अच्छा, हमें पता है कि plants जो हैं वो पानी लेते हैं soil से और body में कहाँ produce होता है cellular respiration के दौरान. ठीक है? अब प्लांट्स इसको कहाँ स्टोर करते हैं? सेल्स में स्टोर करते हैं, जिनको हम कहते हैं जाइलम जो सेल्स हैं. ठीक है? विच आर ट्रांसपोर्ट वाटर और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर टर्जिडिटी. टर्जिडिटी क्या करते हैं? एक रिजिड टफनेस देती है प्लांट को. ठीक है? एक रिजिड स्ट्रक्चर देती है जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो खड़े रहता है अगेंस्ट ग्रेविटी. अदरवाइज अगर रिजिडिटी ना हो, फ्लेसिड हो, जो ऑपोजिट है रिजिडिटी के, तो क्या कर जाएंगे? मुरझा जाते हैं. प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड अपराइट. अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन है इसकी कैसे रिमूव होता है. एट नाइट ट्रांसपिरेशन नहीं होती क्योंकि प्लांट्स जो है उनके स्टोमेटा क्लोज हो चुके होते हैं. अगर पानी का ज़्यादा कॉन्टेंट है सॉइल में तो वाटर एंटर कर जाएगा रूट्स के थ्रू और अकोमोलेट जमा हो जाएगा जाइलम वेसल्स में. मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया. अब बताने के कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे ग्रासेस हैं. ठीक है? वो क्या करती हैं? दे फोर्स वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स विच आर प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स. उनकी लीव्स भी मतलब उनकी बॉडी तो लीव्स पे ही मुश्तमिल होती है डेफिनेटली. उनकी स्टेम्स तो होती नहीं है उस तरह से. तो इंडिविजुअल यानी पूरा प्लांट नहीं होता जिसका स्टेम हो और फिर उसके लीव्स हों. ऑन द होल लीफ ही होता है बॉडी. तो उनकी लीफ के टिप से एजेस पे पोर्स होते हैं स्पेशल जो ड्रॉप्स बनाते हैं. ठीक है? और ये ड्रॉप्स जो हैं वो टिप एजेस पे आता है जिसको कहते हैं गुटेशन. अब गुटेशन और ड्यू शबनम जो है वो एक नहीं है, उनमें फ़र्क है. शबनम क्या है? जो हमारी एटमोसफेयर में जितना भी हमारा जो वाटर है वो कंडेंस होता है वो प्लांट सरफेस के ऊपर आता है उसको शबनम कहते हैं. जबकि ये जो कतरे निकलते हैं लीव्स के एंड्स पे इनको हम कहते हैं गुटेशन. तो दोनों में ये डिफरेंस है. ठीक है? ओके, नाउ रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स. ठीक है? प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट. ओके, दे डिपॉजिट इट मीन्स के सेव कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी. बट दे आर हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं देते और इनसॉल्युबल हैं यानी डिजॉल्व नहीं होते किसी चीज़ में भी. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट, इट इज़ एक्चुअली क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट होता है. इट इज़ डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन लीफ एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स दैट आर इन टोमेटोज. तो इसीलिए टमाटर जो है जिनको पथरी बनती है गुर्दों में या बाकी उनमें, ठीक है, गॉल ब्लैडर में है पित्ता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उनको मना किया जाता है दैट दे शुडंट यूज टोमेटो इसी वजह से क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं. लेकिन ये इनसॉल्युबल हैं बट स्टिल जो है वो प्लांट्स में हार्मलेस हैं. ठीक है? लेकिन हमें जो है वो नुकसान दे सकते हैं. ठीक है? अब क्या है? इन ट्रीज बड़े जो दरख्त हैं दे शेड देयर लीव्स ईयरली. द एक्सट्रीरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव ड्यूरिंग द लीव फॉल. ऑटम में जब ये पत्ते गिरते हैं तो ऐसे पत्ते जिनमें वेस्ट मटीरियल है वो भी साथ निकल जाते हैं. अदर वेस्ट मटीरियल दैट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रेजन्स, कॉर्निफेरस ट्रीज देते हैं. रेजन्स क्या हैं? गम्स बाय केकर, लैटेक्स बाय रबर प्लांट एंड म्यूसिलेज बाय कॉर्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर. अब अगर आप इन पिक्चर्स को देखें, ठीक है, म्यूसिलेज स्टिकी सा मटीरियल होगा, ठीक है, जो कि क्या है बेसिकली लेडी फिंगर भिंडी है या ऐसे कॉर्निवोरस प्लांट्स हैं वो सिक्रीट करते हैं. इनका तो काम ये कि इंसेक्ट्स इस पर स्टिक कर जाते हैं एंड दे प्रे ऑन दोज इंसेक्ट्स. ठीक है? इनका खाना होता है तकरीबन. लैटेक्स जो है रबर है, लैटेक्स के दरख्त से रबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसे रबर बनाया जाता है. और रेजन्स यहाँ पे आपको चीड़, इसको चीड़ जिसे कहा जाता है, इससे वेरियस गम्स एंड ग्लूस जो है या बाकी जो है स्टिकी वो बनाए जाते हैं. ठीक है? अच्छा, फिर क्या है? द रिमूवल ऑफ एक्सट्रीटरी प्रोडक्ट्स इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीव फॉल. इफ़ लीव्स आर नॉट शेड कैल्शियम ऑक्सलेट रिमेन्स एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीव. यानी प्राइमरी फंक्शन नहीं है वेस्ट निकालना लीव्स का. ठीक है? लेकिन वो क्या करते हैं, अगर ना भी निकले तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो सेफ रहेंगे लीव्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट है. ठीक है?
ऑस्मोटिक हमें पता है वाटर की एडजस्टमेंट है प्लांट्स में, ठीक है, कैसे वाटर को एज वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। नंबर वन हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, इन तीनों पैराग्राफ्स की तीन तीन हेडिंग्स होंगी। पहली पहली हेडिंग होगी डेफिनेशन होगी, दूसरी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की हेडिंग होगी और थर्ड एग्जांपल की हेडिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मींस वाटर, ठीक है, इट मींस कि ये पानी में रहते हैं। जेरोफाइट्स का मतलब जीरो है, ठीक है, नो वाटर, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। और हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स इट मींस सी वाटर, सॉल्टी वाटर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स, अब सबसे पहले ये डेफिनेशन है, यहाँ से इसको अंडरलाइन करें। आर प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्रेश वाटर है, सॉल्टी वाटर में नहीं रहते, फ्रेश वाटर में रहते। जो सॉल्टी वाटर में रहेंगे उनको हेलोफाइट्स कहेंगे, ठीक है। सो हाइड्रोफाइट्स पानी में रहते हैं और फ्रेश वाटर में या तो पूरे अंदर होंगे या पार्शली आधे बाहर होंगे और आधे अंदर। सेकेंड हेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की। अब सम प्लांट्स डू नॉट फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, ठीक है, इनको वाटर शॉर्टेज का मसला नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसी अडेप्टेशंस हैं इनके अंदर फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। अब अडेप्टेशन क्या है कि हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सर्फेसिस विच हेल्प्स देम टू रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल इन्होंने दी है वो दी है वाटर लिली। वाटर लिली के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, तो इसलिए ये अपना वाटर जो है वो ईजिली उससे एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं।